वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे उम्मा, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करेंगे जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लीडर था आर्मी था जो लिटरेचर में सबसे आगे था एक उम्मा जिसके पास साइंस और मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा नॉलेज था जो हर चीज़ में आगे था लेकिन आज वो उम्मा दुनिया के हर जगह पर बेइज्जत और जलील हो रहा है आज हम उस उम्मत के इतने नीचे गिरने और इनके कमज़ोर होने का कारण क्या है और इस उम्मत के इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे हाँ मैं मुस्लिम उम्मा यानी इस वक्त के प्रोफेट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के बारे में बात कर रहा हूँ आइए इस उम्मत के इस्लामिक गोल्डन पीरियड की ओर एक नज़र डालते हैं गवर्निंग अथॉरिटी साल सिक्स टू सिक्स फोर फोर सी में जिस उम्मत के पास आधी दुनिया की हुकूमत थी उस उम्मत की हुकूमत साल 1492 में स्पेन में ख़त्म हो गया साल 1707 में साउथ एशिया में ख़त्म हो गया जिसको हम डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कहते हैं और साल 1922 आते आते द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर उसको भी ख़त्म कर दिया गया साइंस एंड सिविलाइजेशन इस उम्मत के पास सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे ये लिस्ट है कुछ उनमें से सबसे बड़े स्कॉलर्स के जिनके डिटेल्स हमने विकीपीडिया से लिया है

Pioneer of psychotherapy and musical therapy. Ali ibn Sahal Rabban al Tabari, pioneer of psychiatry, clinical psychiatry, and clinical psychology. Ahmed ibn Sahal al Balkhi, pioneer of mental health, medical psychology, cognitive psychology, cognitive therapy, psychophysiology, and psychosomatic medicine. Al Farabi, also known as Al Farabius, pioneer of social psychology and consciousness studies abu al-qasim a pioneer of neurosurgery ibn al haisam founder of experimental psychology psychophysics phenomenology and visual perception al-biruni pioneer of reaction time Avi sina also known as ibn sina pioneer of neuropsychiatry thought experiment self-awareness and self-consciousness ibn zohr also known as ibn zohr पायनियर ऑफ न्यूरोजी एंड न्यूरो फर्माकोलॉजी एवेरस पायनियर ऑफ पाकिस् डिजीज इबन तुफेल पायनियर ऑफ टबूला रसा एंड नेचर वर्सेस नर्चर मैथमेटिक्स के फील्ड में फादर ऑफ अलजबरा एंड एलगोजम्स मोहम्मद इबन मोसा अलवारिजमी ऑल्सो नोन एज़ एल्गोरिज्मी अबू अल हमाम इबन अली अल कलासदी पायनियर ऑफ सिम्बोलिक अलजबरा नासिर अल बिन अल तो ए थर्टीन सेंचुरी परशियन मैथमटिशियन एंड फ़िलोसफर अली खुर्शेजी अलज्जासबन यूसुफ इबन मतार खालिद इबन अजीद एंड द लिस्ट कंटिन्यूज विद मैनी मोर नंबर थ्री फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग फ़ादर ऑफ ऑप्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स सर इब्न अलशाम ऑल्सो नोन एज़ अल हसन Ibn Rushd, also known as Averroes, a 12th century Andalusian mathematician, philosopher and medical expert Abu Raihan al-Biruni, pioneer of experimental physics Al-Jazari, 13th century civil engineer Mimar Sinan, zafral al-Sadiq, Banu Musa, Abbas ibn Finas and many more Number 4 In the field of Geography and earth Science, Al-Masudi, also known as Herodotus of Arabs, a pioneer of histori historical geography, Al Kindi, pioneer of exp environmental science, Muhammad Al Idrisi, also a cartographer, Abu Rahan Al Biruni, pioneer of geology and anthropology, Ibn Zubair, Al Tamimi, Ibn Al Jazzar, and many, many more in the list. Number five, economists and social scientists. Abu Hanifa Numan, an Islamic jurisprudence scholar. Al Saghani, one of the earliest historians of science. Ibn Sina, economist. Ibn Khaldun, forerunner of social sciences such as demography, cultural history, historiography, philosophy of history, sociology, and economics. Al Ghazali, Ibn Taymiyyah, Al Makhrizi. Number 6, Chemists and Alchemists. इस्कॉर्स ले खालिद इबन यजीद ज़ाफर अलसादिक्बास इब्न फिरनास अल्किदी इब्न मिसकवा अलखजानी एंड मनी मोर आर समस्ट ऑफ द टाइम नंबर सेवन एस्ट्रोनमर्स एंड एस्ट्रॉजर्स इब्राहिम अल्फ़ारी मुहमद अलफारी अल्वारी अलमहानी बनमूसा दिनावारी अलबसलानी एंड द लिस्ट कंटिन्यूज ऑफ स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोमी एंड एस्ट्रोलॉजी

कि इतना एडवांस होने के बाद भी ये उम्मत आज हर जगह जलील है अब हम इस उम्मत के गलतियों में से सबसे बड़े पांच गलतियों को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आज ये उम्मत हर एतबार से इतना नीचे गिर गया रीज़न्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम उम्मा। सबसे पहला क़ुरान को पीछे कर दिया सबसे पहला वजह कि ये उम्मत इतना कमज़ोर पड़ गया इसका ये है कि इस उम्मत का सबसे बड़ा याडस्टिक क़ुरान इस उम्मत ने उस कुरान को ही पीछे कर दिया सही मुस्लिम टू टू थ्री के अनुसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन कुरान या तो तुम्हारे लिए गवाह बनेगा या तुम्हारे ख़िलाफ़ इस उम्मत के ज़्यादातर लोग अपने ज़िंदगी में कुरान को उसके तर्जुमे के साथ कभी भी नहीं पढ़ते हालांकि ये किताब एज़ ए गाइडेंस नसीहत स्वरूप भेजा गया था लेकिन लोगों ने इस किताब को सिर्फ़ एक रेस्पेक्टेड बुक और गिफ्ट्स के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसके वजह से अल्लाह सुबहाना का अजाब इस उम्मत पर आ पहुंचा और उम्मत हर एतबार से जलील हो रहा है कुरान चैप्टर 25 फाइव बर्स थर्टी में अल्लाह फरमाते हैं रसूल सल्हम कहेंगे ए मेरे रब निसंद मेरे उम्मत के लोगों ने इस कुरान को व्यर्थ बकवास की चीज़ ठहरा लिया था क़यामत के दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि इस उम्मत ने कुरान को पीछे कर दिया सही मुस्लिम 1987 के अनुसार उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुना था कि अल्लाह ताला इस किताब की वजह से लोगों को ूज देंगे और इस किताब की वजह से जलील करेंगे और इसको डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में खूब कहा है वह ज़माने में मुज्ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर रीज़न नंबर टू मुस्लिम उम्मा में फ़रक वारियत इस उम्मत ने अपने दीन को फ़िरकों में बांट दिया और बहुत सारे ग्रुप्स और सेक्ट्स बना लिए अपने पर्सनल बेनिफिट्स और ओपिनियन के बेसिस पे और उन फिरकों के लीडर्स ने बाकी फ़िरकों के लोगों के लिए अपने फ़िरकों के लोगों में प्रोपागेंडाज़ के ज़रिए नफ़रत भर दिया और एक दूसरे को काफिर कहने लगे और इसी तरह उम्मत की यूनिटी को ख़त्म कर दिया कुरान के चैप्टर सिक्स वर्ष वन फिफ्टी नाइन में अल्लाह अपने नबी को कहते हैं जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्वयं गिरोहों में बढ़ गए तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है फिर वो उन्हें बता देगा जो कुछ वे किया करते थे कुरान के चैप्टर ट्वेंटी थ्री वर्ष फिफ्टी टू और फिफ्टी थ्री में अल्लाह फरमाते हैं और निश्चय ही ये हमारा समुदाय एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूँ अतः मेरा डर रखो किंतु उन्होंने स्वयं अपने मामले यानी धर्म को परस्पर टुकड़े टुकड़े कर डाला हर गिरोह उसी पर खुश है जो उसके पास है चैप्टर थर्टी वर्स थर्टी टू में अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गिरोहों में बढ़ गए हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी में मग्न है उम्मत में लोग बढ़ते गए इमामों के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे और कुछ अपने एरियाज़ के नाम पे ही फ़िरके बन गए जैसे शिया सुन्नी हनफी शाफ़ी मालिकी हम्बली हनफी देवबंदी हनफी बरेलवी अहल हदी सलफ़ी और ऐसे ही छोटे छोटे फ़िरक़ों में बढ़ते गए हालांकि अल्लाह ने कुरान में सिर्फ मुस्लिम बनकर रहने का हुक्म दिया जैसे कुरान के चैप्टर फोर्टी वन वर्स थर्टी थ्री में अल्लाह फरमाते हैं और उस व्यक्ति से बात में अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे और कहे निस्संदेह मैं मुस्लिम हूँ कुरान के चैप्टर टू वर्स 128 में एक दुआ है जिसमें है ए हमारे रब हमें मुसलमान बना और हमारे संतान में से एक मुस्लिम समुदाय बना अल्लाह ने लोगों को कुरान की तरफ बुलाया और कम से कम 22 जगह अपने आप को मुस्लिम कहने को कहा और एकजुट होकर अल्लाह के रस्सी को पकड़ने को कहा जैसे कुरान की चैप्टर थ्री वर्स 103 में, जिस में है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विवेद में ना पढ़ो लेकिन मुस्लिम उम्मा आपस में बढ़ते गए और कमज़ोर पड़ गए और अल्लाह के अजाब के हकदार भी फिर बारत से रिलेटेड जो एक ख़ास हदीस लोगों में मशहूर है जिसे तिहत्तर फिरकों वाली हदीस भी एक कहा जाता है जो कि बहुत से हदीसों के किताबों में पाया जाता है जैसे सुनन अबू दाऊद फोर फाइव नाइन सिक्स तिरमिजी में टू सिक्स फोर वन इबन माज़म थ्री नाइन नाइन वन तिरमिज़ी के हदीस टू सिक्स फोर वन में कि स्युल्ण स्युल्ण है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे उम्मत भी बनी इसराइल की तरह फ़िरकों में बढ़ जाएंगे बनी इसराइल बहत्तर फ़िरकों में बढ़ गई थी और मेरे उम्मत तिहत्तर फ़िरकों में बढ़ जाएंगे जिनमें से सिर्फ एक ही जन्नत में जाएंगे तो अब्दुल्ला बिन अमर ने पूछा वो एक गिरोह कौन है तो रसोल ने बताया वो उन तरीक़ों पर चलने जिस पर मैं और मेरे सहाबी चले हैं यानी कुरान और सही हदीस कुरान और सही हदीस को मान के चलने वाले ही उस गिरोह के हकदार हैं जैसे कुरान की ये आयत है जिसको ऑलमोस्ट सारे उलमा आधा ही पढ़ के बताते हैं कुरान के चैप्टर फ़ोर वर्ष फिफ्टी नाइन जिसमें अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान लाने वालों अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल वसल्लम का कहना मानो और उनके भी कहना मानो जो तुम्हारे अधिकारी लोग हैं फिर यदि तुम्हारे बीच किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो उसमें तुम अल्लाह और रसूल के और लौट आओ यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो यही उत्तम है और परिणाम की स्पर्श से भी अच्छा है रीज़न नंबर थ्री ये उम्मत दुनिया के लालच और मोहब्बत में पड़ गया और ख़ासकर इस जो इस्लामिक गवर्निंग सिस्टम था उसको ही बदल दिया जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हुकूमती यानी गवर्निंग अथॉरिटीज़ में करप्शन शुरू हो गया बड़े बड़े लीडर्स अपने अपने दुनियादारी में लग गए और आम पब्लिक के हकूक यानी उनके हक और भलाई को छोड़ के दौलत जमा करने में लग गए करप्शन इतना फैल गया था गवर्निंग अथॉरिटीज़ में कि लेजर सुनने का जो अला सुबह नबाता का क्राइटेरिया यानी क़ानून या निज़ाम था उसको ही छोड़ दिया और उम्मत के ताकतवर लोग ज़बरदस्ती हुकूमत में बैठ गए पहले हम अल्लाह आलमेटी गॉड के लीडर चुनने का जो कानून है उसको समझते हैं कानून ये है कि आम पब्लिक ही अपने लीडर अपने खलीफा चूज़ करेंगे और उसको हुकूमत संभालने की जिम्मेदारी देंगे लेकिन इस सिस्टम को उम्मत के ताकतवर लोगों ने करप्ट कर दिया और ख़त्म ही कर दिया और ख़ुद ही अपने मर्ज़ी से आवाम पे हुकूमत बन के मुसलत हो गए यानी जो खिलाफती सिस्टम था जो कि फुल्ली पब्लिक के राइट्स और चॉइस पे फोकस था उसको किंगशिप यानि मलोकिया हुकूमत में बदल दिया मलोकियत या किंगशिप यानी जिसमें आम पब्लिक के राय नहीं सुनी जाती बल्कि लीडर्स अपने मर्ज़ी से रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं और आम पब्लिक को उसके सारे हुक्मों को मानना ही पड़ता है चाहे पब्लिक को वो हुक्म पसंद हो या ना हो इस मलोकियत के सिस्टम के खिलाफ उम्मत के बड़े बड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उन सबको मार दिया गया इस सिस्टम के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले थे उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड चिल्ड्रेन नबी के पोते हसन और हुसैन आलाम हसन आलाम को जहर देकर मार दिया गया और हुसैन आलाम को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया बहुत सारे लोग चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम उनमें एक मिसकनसप्शन है कि जितने मुस्लिम किंग्स लीडर्स ने हिस्ट्री में मलोकियत वाला हुकूमत किया है और जो किंगशिप आज मिडिल ईस्ट में हैं वो सारे इस्लामिक कानून के मुताबिक ही है लेकिन सच ये है कि ये सारे मलोकियती हुकूमत हुसैन और हसन आलाम को शहीद करने के बाद जो करप्टेड सिस्टम उम्मत में पैदा हुआ था ये सारे हुकूमतें उसी मलोकियती सिस्टम का एक्सटेंशन है रीज़न नंबर फ़ोर उम्मत ने अपने उलमा स्कॉलर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया और किसी हद हाँ तक उलमा को अपना रब ही बना लिया ये कहकर कि हमारे उलमा जो कहेंगे हम वो करेंगे और उलमा गलत नहीं हो सकते लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर एक्सट्रीम फिरकेबाज लोगों में देखा जाता है कुरान के चैप्टर नाइन वर्स थर्टी वन में अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उलमा ने अपने मतलब की चीज़ों को दीन में दाखिल कर दिया दीन के नाम पर और इस तरह लोगों को बांटने लगे और दीन में बिदतों को फैला दिया और लोग उन चीज़ों को दीन समझ के मानने लगे कुरान के चैप्टर 22 वर्स 8 में अल्लाह फरमाते हैं कुछ और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हिदायत और इल्म वाल और रोशनी देने वाले किताब के बिना गर्दन अकड़ाए हुए खुदा के बारे में झगड़ा करते हैं और इसका रिज़ल्ट यह हुआ कि जो दी, दीन इस्लाम था अल्लाह की तरफ़ से और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स थे कुरान और हदीत में उन सब को उम्मत ने साइड में कर दिया और अपने अपने फ़िरकों के बुज़ुर्ग बाबा पीर और सौ कॉल्ड फ़िरकों के मुफ्ती और मौलानाओं के पीछे सारे लग गए हालांकि कुरान के चैप्टर 17 वर्स 36 में अल्लाह फरमाते हैं किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो यकीनन आँख कान और दिल सभी को पूछ होनी है और इसी तरह लोगों ने अपने अपने फ़िरकों के ऊलामाओं को ब्लाइंडली फॉलो करके इस्लाम के हुकम और अहकामों में भी करप्शन फैला दिया और इस्लाम से दूर होते गए और अल्लाह के अजाब को ख़ुद पे मुसल्लत कर दिया रीज़न नंबर फाइव अल्लाह सुबह व तआला ने इस उम्मत को एक ख़ास ड्यूटी देकर भेजा था जिसको उम्मत ने पूरा नहीं किया जिसके कारण उम्मत के ऊपर अजाब आ पहुँचा कुरान के चैप्टर सिक्सटीन वर्स वन ट्वेंटी फाइव में अल्लाह फरमाते हैं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हमत और अच्छी नसीहत के साथ और लोगों से बहस करो ऐसे तरीके पर जो बेहतरीन हो कुरान के चैप्टर 41 वन बहस थर्टी में अल्लाह फरमाते हैं और उस शख्स की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक आमाल किए और कहा कि मैं मुसलमान हूँ अल्लाह ने जो ड्यूटी दी थी वो ड्यूटी ये था कि पूरी दुनिया में अल्लाह सुबह नैसेज को पहुँचाना और नबी के सन्नतों को कायम रखना और दीन इस्लाम के निज़ाम को पूरे दुनिया में कायम करना हमत और बेहतरीन तरीके से और इस काम की तारीफ़ में अल्लाह क़ुरान के चैप्टर थ्री बस वन हंड्रेड टेन में फरमाते हैं अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की रहनुमाई और सुधार के लिए मैदान में लाया गया तुम नेकी का हुक्म देते हो बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो लेकिन उम्मत ने इस ड्यूटी को इग्नोर कर दिया और हालत ये हो चला है अब कि ख़ुद तो लोग इस चीज़ को नहीं करते लेकिन अगर कोई भी इस काम को करने लगता है तो उसे भी रोकते हैं ये कहकर कि ये काम करना ज़रूरी नहीं है हालांकि ये काम हर उम्मती पे फ़र्ज़ है और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से आज उम्मत ने अपने आप को अजाब के कायल कर दिया इस वीडियो में हमने उनमें से पांच सबसे बड़े गलतियों को हाईलाइट किया है आप लोगों को क्या लगता है इस मुस्लिम उम्मत के डाउनफॉल के और क्या क्या वजह हो सकते हैं आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें जजाकल्ला अलमैकम